मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, हिसार लोकसभा के अंदर ब्राह्मण समाज को हमेशा धोखा दिया गया है। इन्होंने, कुलदीप बिश्नोई ने और दूसरी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को केवल वोट बैंक समझते हुए इनका दुरुपयोग किया है। हिसार लोकसभा को मैं पिछड़ा घोषित कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी और LSP की तरफ से 5,000 रुपये पेंशन देने का वायदा किया गया है। कुलदीप बिश्नोई का हाल जो जींद के अंदर सुरजेवाला का हुआ है, कांग्रेस पार्टी का हुआ है, उससे भी ज़्यादा बदतर होगा। ये भी कहा जाता है कि बसपा लोसपा का जो गठबंधन है वो जिताने की बजाय हराने में ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, तो आप किस पार्टी को हरा पाएंगे? मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी पहली बार जीतने के लिए मैदान में उतरी है। मुझे भी बुला करके कुलदीप बिश्नोई ने वायदा किया था कि आप तैयारी करें, 80 से आपको विधानसभा की टिकट दी जाएगी, लेकिन मुझे मेरे भरपूर कोशिश और उसका प्रयासों का फल ये निकला कि 80 की जीत इनको मिली थी, लेकिन क्योंकि 80 की जनता इन लोगों से अनभिज्ञ थी, अब की बार 80 की जनता इनको जमानत जब्त करवाने में भरपूर सहयोग करेंगे। भाजपा सरकार केवल वायदों की रही है। मैं नहीं समझता कि कुलदीप बिश्नोई कोई राजनीतिक व्यक्ति है, वो केवल व्यापारी व्यक्ति है और व्यापारी व्यापारिक ढंग से पार्टियों से सौदेबाजी करते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा को BSP LSP गठबंधन ने हरियाणा में हिसार लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एक मत पोस्ट में। मैं एक मत पोस्ट का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हमारी पार्टी और मुझे प्रत्याशी मानते हुए आपने जो सम्मान दे रहे हैं उसके लिए मैं 80 हिसार लोकसभा की तरफ से और आसपास के हमारे देशभक्त जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप काफ़ी सालों से राजनीति करते आ रहे हैं और ख़ास तौर पर आप भजनलाल परिवार के काफ़ी करीब रहे हैं। जब भी उस परिवार से किसी भी नुमाइंदे ने चुनाव लड़ा तो आपने उनका साथ दिया है, तो इस बार हमें लगता है कि आप बसपा की सीट पर अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो सीधा सीधा चैलेंज जो है वो कुलदीप बिश्नोई के लिए साबित होगा। कुलदीप बिश्नोई का हाल जो जींद के अंदर सुरजेवाला का हुआ है, कांग्रेस पार्टी का हुआ है, उससे भी ज़्यादा बदतर होगा। नहीं तो ये क्या वजह रही, आप उनकी सपोर्ट करते करते फिर आप मैदान में आ गए और आज एक चुनौती साबित हो रहे हैं आप? कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा अपने सभी साथियों को, चाहे उसके परिवार का उसका भाई भी क्यों ना हो, उनको सबको धोखा दिया है और ऐसे धोखेबाज व्यक्ति के लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी साथी, जो काफ़ी लोग, बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, सभी उनकी ऐसी कृति के कारण वो सभी उनका साथ छोड़ चुके हैं। और मैं नहीं समझता, मुझे भी बुला करके कुलदीप बिश्नोई ने वायदा किया था कि आप तैयारी करें, 80 से आपको विधानसभा की टिकट दी जाएगी, लेकिन मुझे मेरे भरपूर कोशिश और उसका प्रयासों का फल ये निकला कि 80 की जीत इनको मिली थी, लेकिन क्योंकि 80 की जनता इन लोगों से अनभिज्ञ थी, अब की बार 80 की जनता इनको जमानत जब्त करवाने में भरपूर सहयोग करेंगे। सिलसिलेवार बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप क्या वायदा करेंगे जब आप जनता के बीच में जाएंगे चुनाव में, चूंकि आप खड़े हुए हैं और शायद ये आपका पहला मौका है जब आप सीधे सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपके वायदे क्या रहेंगे, आपके पास क्या घोषणा रहेंगी, किस तरह के वायदे आप जनता से करेंगे? हमारे बहुजन समाज पार्टी और LSP की तरफ से 5,000 रुपये पेंशन देने का वायदा किया गया है और उसके अलावा जो हमारे बेरोजगार हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे युवाओं को हम, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें 10,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। जहां तक अभी चुनाव की बात है तो आपका सिंबल किसका रहेगा, BSP का रहेगा या LSP का रहेगा? हमारा, मैं गरीब लोगों के अंदर मेरी आत्मा बसती है, मैं उनके उत्थान के लिए हमेशा कार्यरत रहा हूँ। सही है, तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी का हाथी के निशान पर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बटन दबा करके, आप लोगों की, गरीब लोगों की जीत होगी, हिसार लोकसभा की जीत होगी। हिसार लोकसभा को मैं पिछड़ा घोषित कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप अगर देखेंगे कि कुलदीप बिश्नोई की उपस्थिति लोकसभा के अंदर मात्र चंद गिनती की रही है और हमेशा ही वो
चाहे उनकी पत्नी हो या वो हो, लोकसभा और विधानसभा से हमेशा नदारद रहे हैं। सिलसिलेवार बात करते हैं जी, भाजपा सरकार को आप किस तरह देखते हैं? भाजपा सरकार केवल वायदों की रही है। अब 55 साल कांग्रेस पार्टी ने सत्ता रखी है और 10 साल से बीजेपी ने भी सत्ता रखी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बीजेपी की खट्टर सरकार ने या लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने सही मायने में सच्ची देश भावना की सेवा, देश की सेवा करने के लिए सोचा हो। केवल झूठे वायदे इन्होंने किए हैं। उन झूठे वायदों का ये परिणाम होगा कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी की तरफ से ये जो है ये जीती जाएंगी। हमारा बहुत ही बढ़िया समीकरण रहेगा। हिसार लोकसभा के अंदर हर सीट को बीएसपी और एलएसपी बड़े तोल करके देख रही है। आपकी सीट डिक्लेयर होने के साथ ही ये भी कहा गया, ये इस बात पर डिबेट शुरू हो गई है कि बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग पे काम किया। वो हम इस तरह कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं जी, और बसपा का जो परंपरागत वोट है वो दूसरा एससी तबके का ज्यादा वोट उनके पास रहता है, हमारी मायावती का जी। और राजकुमार सैनी जो है सैनी वोट पे ज्यादातर काबिज होते हैं जी। तो क्या इसी की दृष्टिगत जो है आपको टिकट दी गई है? देखिए, कोई भी पार्टी में कैंडिडेट को टिकट देने से पहले उसकी स्थिति, उसके समाज की स्थिति देखी जाती है। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। हिसार लोकसभा के अंदर ब्राह्मण समाज को हमेशा धोखा दिया गया है। इन्होंने, कुलदीप बिश्नोई ने और दूसरी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को केवल वोट बैंक समझते हुए इनका दुरुपयोग किया है। लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज की झोली में बहन मायावती जी ने और हमारे माननीय राजकुमार सैनी जी ने विश्वास रखते हुए, समाज का सम्मान करते हुए उनकी झोली के अंदर ये लोकसभा की सीट डाली है। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर एन ब्लॉक वोट आपको दे देगा? मैं समझता हूँ कि 100% ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण समाज जाग चुका है और ब्राह्मण समाज का आज स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस स्थिति को अगर सुरक्षित उन्होंने बनाना है तो वो मुझे वोट देंगे, हाथी का बटन दबाएंगे। कांग्रेस की स्थिति कैसी देखते हैं? बार बार ये कयास लगाए जाते हैं कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे, हालांकि पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा यहाँ से गुजरी, बिश्नोई वहाँ पर नहीं थे, फिर वो राहुल के प्रोग्राम में चले गए, तो ऐसा लगा कि वो कुछ कट रहे हैं, पार्टी से कट रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, बेटे को लड़ा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को, इस द्वंद्व को कैसे देखते हैं? मैं नहीं समझता कि कुलदीप बिश्नोई कोई राजनीतिक व्यक्ति है, वो केवल व्यापारी व्यक्ति है और व्यापारिक ढंग से पार्टियों से सौदेबाजी करते हैं। पिछली बार इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके और पार्टी को धोखा दिया, उसके बाद में इन्होंने बीजेपी से समझौता करके बीजेपी को धोखा दिया, अभी कांग्रेस पार्टी से भी जाने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद कुलदीप बिश्नोई मेरा खड़े होने के बाद में अब हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो मैदान में उतरें। पिछली बार विधानसभा चुनाव में मुझे याद है हांसी से टिकट मिली थी किसी व्यक्ति को और फिर वो चेंज हो गई थी एन वक्त पे, और जिसको वो दी गई थी रविंद्र मक्कर के परिवार में वो टिकट गई थी और उन्होंने टिकट भरी, नामांकन दाखिल किया और अगले दिन उसको विड्रॉ भी कर लिया, वो सीट खाली हो गई थी। तो क्या इस चीज़ से घबराहट होती है, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं? मैं नहीं समझता कि एक बार बहन मायावती जी जिससे वायदा कर लेते हैं और जिसको टिकट देते हैं वो कभी भी उस बात से हमेशा अडिग रहती है उसके ऊपर और कभी जो है उसे वापस नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि बहन मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद जो दिया है वो उस आशीर्वाद का हल स्वरूप ये रहेगा कि हरियाणा के अंदर हिसार लोकसभा बहुजन समाज पार्टी और एलएसपी के का जो है गठबंधन, ये सबसे ज़्यादा वोटों से हिसार लोकसभा के अंदर जीत दर्ज होगी। हिसार लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं जी, तकरीबन कितना वोट आप समझते हैं कि वहाँ इस लोकसभा में है? हिसार लोकसभा के अंदर लगभग 14.5-15 लाख वोट के आसपास है। ये जो तमाम एरिए हैं, उजाना विधानसभा है, भवानी विधानसभा है, नारनूल है, क्या आपने वहाँ कभी विजिट किया या पहली बार होगा जब? मैं अक्सर इन इलाकों में घूमता रहता हूँ। मैंने पिछले दिनों 2 बार शहीदों के परिवारों को आमंत्रित किया है हांसी के अंदर, और उसके अंदर जो हमारे लोकसभा के क्षेत्र हैं, चाहे उचाणा हो, चाहे भवानीखेड़ा हो, या फिर उकलाणा या बरवाड़ा हो, या फिर नलवा हो, या आदमपुर हो, या हिसार हो, हांसी की जनता तो आई ही थी। सभी हलकों से वहाँ के प्रतिनिधि जो देशभक्त लोग हैं उसके अंदर आए थे, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व दिया
और वो सफल कार्यक्रम आप लोगों ने भी देखा था कि ये पहली बार देश के अंदर जो है वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद संगठन के तहत जिसके संरक्षक हमारे देश के शहीदों के परिवार हैं उसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे और पोते शहीद मंगल पांडे के भी पोते आए थे। इसी तरह से सुभाष बोस की पोती राजश्री आई थी। नहीं ये सही है, आप सामाजिक कार्य करते रहे, हमने भी आपको देखा है। और एक बात मैं और शर्मा जी के बारे में बता दूं कि इनको पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। अक्सर इनके पोस्टर्स आपको हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहों पर लगे मिलेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में इनके पोस्टर लगे मिलते हैं, ऐसा ही है शायद जी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं सर्व समाज के जो संत और महात्मा हुए हैं मैं उनकी उनके सम्मान के लिए मैं ये पोस्टर हमेशा नव वर्ष के ऊपर लगवाता हूँ। क्योंकि आप बसपा के उम्मीदवार होंगे जी, तो क्या कुमारी मायावती कोई रैली करेंगी या हरियाणा में या हिसार खास करके? मैं बहन जी से अवश्य निवेदन करूँगा कि वो हिसार के अंदर आएं और जो देश हमारे जो भक्त हैं इनके बहन जी के वो हिसार लोकसभा के अंदर एकत्रित होंगे और वहाँ पर पूरा समाज जो है पूरा लोकसभा क्षेत्र उनको वचन देगा कि हम सुरेंद्र शर्मा को भारी मतों से जीते। शर्मा जी, बहुजन समाज पार्टी में आपका पदार्पण क्या ये आज ही हुआ या चंद रोज पहले हुआ या कब इसमें गए? मैं 2009 के अंदर गया था और मुझे लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था और उसके अलावा तो आप ये कहना चाह रहे हैं बसपा के लिए आप नए नहीं हैं? मैं बहुत पुराना हूँ बसपा के अंदर और हमेशा इसके जो कार्यक्रम हुए हैं कोई मीटिंग वगैरह हुई है उसके अंदर मैं हमेशा शामिल होता रहा हूँ। अच्छा, आपका मुकाबला आप अपना मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं? मैं समझता हूं कि मैं मेरा मुकाबला इन लोगों से क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और जसपा जो है वो आपस में ही लड़ रही है और आज कांग्रेस पार्टी शायद अपना कैंडिडेट शायद नहीं उतार पाए हिसार से, कोई भी उसकी टिकट लेना नहीं चाहता। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है बीजेपी भी मेरे लोकसभा के अंदर प्रत्याशी होने पर असमंजस में हो गई है और सभी पार्टियों के मैंने हमारे जो पार्टी है उसने मुझे टिकट दे करके सभी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं और मैं बहन मायावती जी को हिसार लोकसभा की तरफ से ये सीट जीतकर उन्हें उपहार समर्पित करूंगा। आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। ये भी कहा जाता है कि बसपा लोसपा का जो गठबंधन है वो जिताने की बजाय हराने में ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, तो आप किस पार्टी को हरा पाएंगे? मैं समझता हूँ के बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी पहली बार जीतने के लिए मैदान में उतरी है और 10 की 10 सीटें हमारी दोनों पार्टियों का गठबंधन जीतेगा। तो ये थे सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ, इनसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। इतना जरूर तय है कि बसपा लोसपा का जो गठबंधन है वो कम से कम कांग्रेस के लिए भारी साबित हो सकता है। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर अपडेट हर ताज़ा तरीन खबरें आपको सबसे पहले पहुँचें। नमस्कार।